पहले अरे है तो आवाज कम करा दे उधर। सबसे पहले जो आज इस कार्यक्रम हमारे सम्मान्य हरिराम राजपूत जी सिरसा निवासी जो कि यहाँ के समधी साहब हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आप सभी के बीच में शुरुआत है। उनके इस रंग डालने के उत्सव में आप सभी लोग और हम सब मिलके पधारे हैं। मात्र आपका दो गीतों का समय लेंगे, इसके बाद जोन जो आप गीत के हो उसे खतरनाक सुनाए आपके लाए। इतने खतरनाक गीत सुनाए के तो 100 नंबर की जुगाड़ करो। बाप कसम के तो कहूं बारी मारी देखो के दूं आउट में। कहे कि हमारे पास ऐसा दमदार है का तुमका कछु काड़ के बता रहे नो रखो। अगर इन लोगों की इच्छा हुई है तो वो भी कर दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतने देख लियो ठंडक पड़ जाए। हम तो चारों तरफ देख रहे हैं भाई, तो कह रहे कि तुम्हारे बेजा साउंड की तरह हमें आवाज आन दो। तो देखिए सर्वप्रथम सभी कलाकारों ने बारी बारी से वंदनाएं की, लेकिन हम वंदना ना करें, हम जाना नहीं बात को। तुम तो हो पापी, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलने। भाई साहब इनने कही हम है पापी। तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, भर जवानी में लुगाई भग गई थी छोड़ के। बताओ ई बात में कोनू शक है? तुलसीदास ने कोनू पाप नहीं करो तो पूरी रामायण लिख दी थी, लेकिन दंड आखिरी का मिलो भर जवानी में। हमें ऐसा नहीं करने, हमें बेपन्ने थे या दुनिया में नहीं बेपन्ने। काहे के आज के जमाने में भजन सुनवे फिर भजन परत, भजन को न सुने, हकीकत है। तो देखिए सर्वप्रथम तो बोल कहना चाहूंगा, कार्यक्रम तो आपको सारी रात सुनना है, कुछ दो बोल ऐसे सुनाना चाहूंगा कि जीवन के सबसे बड़े महत्व होते हैं। के दीना नाथ या नाथ का भला मिला संजोग, अगर मुझे न तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। हे दीनानाथ, आज भरी महफिल में आपके सहारे मेरी नैया है, आपका अगर इस आशीर्वाद मिल जाए तो भवसागर से बेड़ा पार भी हो सकता है। तो दो बोल के माध्यम से सभी देवगणों को नमन किया है। आज स्वर्गीय जगदीश राजपूत जी के द्वारे पर आप पांच पंचों का रंग महोत्सव आप सभी के बीच में है, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है नारायण कुशवाहा लोकगीत पार्टी के माध्यम से। तो लीजिए एक दो बोल जो स्वर्गीय हमारे जगदीश राजपूत जी अपने बालकों को जो सीख दे के गए हैं उनके उपलक्ष्य में एक गीत है। तो कहना है बस भाई साहब जय घोटाटे रही हो और मजा की गारंटी बाप कसम सवेरे धर के नहीं ले जाए हो। के सबसे पहला मात पिता के, देखिए सर्वप्रथम पहला गीत गा रहा हूं, इसके बाद आपके मनोरंजन के गीत चले। सबसे पहले धन्यवाद उन माँ बाप को देना चाहिए जो अच्छी राह पर निगना सिखाते, जो आज हमारे हरिराम राजपूत जी के सुनील भैया बा विनोद भैया आज पिछोर की बस्ती में उनका नाम रोशन करते हैं। और ऐसे हर बालक के माँ बाप का संस्कार होना चाहिए कि अपने माँ बाप का फर्क से सर ऊंचा हो जाए। तो कहना है कि सबसे पहला माता पिता के और चरणन शीश न बाऊं जो, सबसे पहला माता पिता के सबसे पहला
चरणन शीश नवाऊ सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ सबसे पहला मात पिता के सर्वप्रथम उन माँ बाप को चरणन शीश नवाता हूँ जिन माँ बाप ने मुझे गाने की राह पर चलना सिखाया। आज मुझे पांच पंचों का आशीर्वाद मिलता है। आप सभी के बैठ में मैं गाता बजाता हूँ, आप सभी का मनोरंजन करके दिल जीत लेता हूँ। ऐसे हर बालक को अपने माँ बाप के द्वारा संस्कार मिलना चाहिए। सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ चरणन शीश नवाऊ चरणन शीश नवाऊ चरणन शीश नवाऊ है चरणन शीश नवाऊ। और देखिए जैसे आज मेरी सफल जिंदगी में माँ बाप का आशीर्वाद मिला है, ऐसा सभी लोगों को मिले। सफल करो तुम जा जिंदगानी, आज सफल करो तुम जा जिंदगानी, जन्म जन्म जस गाऊं जू सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊं जू सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ। और देखिए माँ बाप के साथ साथ सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी होना चाहिए। हो भाई बंधु अरे कुटुंब कफीला सबको मन में ध्यान जू भाई बंधु और कुटुंब कफीला सबको मन में ध्यान जू भाई बंधु और कुटुंब कफीला सबको मन में ध्यान जू भाई बंधु सबको मन में ध्याऊं जू। और देखिए आज सभी की कृपा देखो, आज आप सभी की कृपा से ये हमारा कार्यक्रम सफल होने को जा रहा है। आज सभी की कृपा देखो मन में अति हर जू सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ सबसे पहला मात पिता के चरणन शीश नवाऊ। और देखिए बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के साथ साथ जो आज फेरे के देवी देवताओं को मनाया जाता है उनको भी ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम गीत अपनी वाणी के माध्यम से सभी देवी देवताओं को नमन करता है। सारे